आ गया। ए के मिश्रा जी को दिखाएगा। ए के मिश्रा जी देखिए, हम सैलरी का जिक्र जरूर कर रहे हैं और ये अच्छी बात है, विधायकों की सैलरी बढ़ती है, क्या आप इसे पॉलिटिकली देख रहे हैं? इस पे शॉर्ट एक अपना एनालिसिस बताइएगा सर। मैं बिल्कुल इसको पॉलिटिकली देख रहा हूँ और पॉलिटिकली देखने के लिए दो तीन बहुत सॉलिड रीजन है। प्लीज। हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए, कोई भी पार्टी हो भारत में, आप उनके मैनिफेस्टो को देखिए या जब वो पार्टी रजिस्टर होती है उनका एक संविधान डिक्लेयर होता है। इवन इलेक्शन के टाइम पे कोई ये नहीं बोलता है कि हम सैलरी और सुविधाओं के लिए जा रहे हैं, हमारे माननीय विधायक जो दोनों पक्ष के बैठे हैं उनसे पूछिए राजनीतियां आपने क्यों ज्वाइन की, सैलरी के लिए की है कि समाज सेवा के लिए, तो हर कोई बोलेगा समाज सेवा के लिए की है। तो अगर समाज सेवा है तो यहाँ पे आप लोगों का फोकस सैलरी पे होना नहीं चाहिए। खैर फिलहाल मैं बधाई देता हूँ। अब मुद्दे क्या है, शायद टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट की तरह जो है काम कर रहे हैं, उनके लिए सरकार जो है कुछ नहीं कर रही है। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग सैलरी को या अपने भत्तों को इंक्रीज करने की बात करते हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट में। अगर हम जनता की भी बात करें, इनकी बात सही है, महंगाई है, ये है, और ये एक कंपेरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं कि वहां पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, ऐसा नहीं है। तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप समाज सेवा के लिए राजनीति में आए हैं, और मैं दावे के साथ बोलता हूं ऑन स्क्रीन कोई भी पार्टी का नेता चाहे वो विधायक हो या ना हो, वो कभी ये नहीं बोलेगा कि हम सैलरी के लिए और सुविधाओं के लिए आते हैं। सब यही चिल्लाते हैं हम समाज सेवा के लिए आ रहे हैं। तो आप लोग सैलरी पे ध्यान क्यों देते हैं, जनता की भलाई करिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में। आप, मैं तो ये बोलता हूं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, चलिए सैलरी मत बढ़ाइए, लेकिन जो बजट आपके पास एक्स्ट्रा है उससे कुछ एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट आप क्रिएट कर दीजिए, क्योंकि डिबेट में आप लोग ही हल्ला मचाएंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो फंड का उपयोग कहाँ किया जाए, इसके पहले भी आपने एक बार हल्ला मचाया था 400% बढ़ाने की बात की थी। चुनाव में आप लोगों का मुद्दा होता है कि हम समाज सेवा के लिए जा रहे हैं, हम पैदल चलेंगे, चुनाव में 20 किलोमीटर पैदल चल लेंगे। रही बात दिल्ली में, जो विधानसभा क्षेत्र होता है वो बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि चुनाव में ये लोग पैदल भी कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे भत्तों वत्तों की कोई उतनी जरूरत नहीं है। कोई गांव में होता जहां 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर का एक विधानसभा क्षेत्र होता है वहां माना जाता है। इनके रेजिडेंस देखेंगे, जो गवर्नमेंट सीटीसी इनसे पूछिए ना कितना है, उसमें जहां इनको रेजिडेंस है उसकी कॉस्ट बहुत होती है। ये तो केवल इनकी सैलरी और भत्तों का पार्ट है। अगर आप सीटीसी निकालेंगे कि एक विधायक के ऊपर गवर्नमेंट का साल में खर्चा कितना हो रहा है, तो शायद मैं बोलूंगा कि रिट्रोस्पेक्शन करना चाहिए हमारे नेताओं को, माननीय विधायकों को। सर ठीक है सर, आपने जो एक बात कही वो बहुत अच्छी थी। हमारे नेता कहते हैं कि हम तो समाज सेवा के लिए आए हैं, और आज देखिए अब जिसको 54,000 रुपए जिसे तनख्वाह मिलती हो, अगर वो 2,10,000 रुपए की मांग करता है तो फिर थोड़ा सा ठीक है, क्या तर्क रहे होंगे। लेकिन एक देखिए, बिजनेस सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, सौतिया डा कि वहां पे इतना है तो हमारा होना चाहिए। नहीं, पर स्टेट्स ठीक है सर। सर एक चीज, एक तर्क ये दिया गया कि भाई आप विधायकों की सैलरी इसलिए बढ़ा दीजिए क्योंकि वो करप्शन का हिस्सा नहीं बनेंगे। मैं ऐसे भी तर्क सुने हमने, करप्शन नहीं तो फिर करप्शन बहुत ज्यादा होगा, तो बेहतर है कि विधायकों की तनख्वाह बढ़ाई जाए। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं क्या? देखिए मैम, जो चारित्रिक गुण होते हैं ना, वो सब्जेक्ट होता है चरित्र का, अपब्रिंगिंग का होता है। मैं आपको ये बताऊं, जितने भी नेता पास्ट में कानून के द्वारा फंसे हैं करप्शन में, या कोई भी जो है इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह, आपने कभी ये सुना कि अभाव? चलिए, थोड़ी सी तकनीकी खराबी हो रही है। ललिता जी, ललिता जी, हम आज क्योंकि चलिए तनख्वाह वाले विषय पर तो चर्चा हो गई, लेकिन आज एक और मुद्दा बहुत ज्यादा गूंजा, वो था स्कूल खोलने और स्कूल बंद करने को लेकर। आप क्योंकि आप अध्यापिका भी हैं, जरा बताइए स्कूलों की स्थिति क्या है, कितने स्कूल खुले, कितने स्कूल बंद हुए, क्या स्कूल सिर्फ टेलीविजन का इशू रह गया है? नेता हमारे टेलीविजन पर ही इसका जिक्र करते हैं, ग्राउंड में क्या रियालिटी है? ललिता जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? हम फिर से बात करें। एके मिश्रा जी, ठीक है सर, जनता को फैक्ट के साथ प्रूफ आना चाहिए। फैक्ट तो ये भी है ना, बहुत बड़ा। वो कहेंगे, हम कहेंगे प्रिंसिपल हैं, वो कहेंगे नहीं है। हम कहेंगे पढ़ाई हो रही है, हम कहेंगे पढ़ाई नहीं हो रही है।
सच कैमरे कभी झूठ नहीं बोलता। नहीं नहीं तो एनसीपी आप कह रहे हैं कि एनसीपीसीआर की रिपोर्ट गलत है। नहीं नहीं ठीक है सर, ठीक है सर, सर और मेहमान भी हैं, मुझे उनसे भी बात करनी है सर, और मेहमान भी हैं, ठीक है। लेकिन आज मुझे जो अच्छी चीज लग रही है वो ये कि आज आप दोनों बहुत शांत हैं, एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, बीजेपी और आप वाली तनख्वाह बढ़ने का एक अलग ही बॉडी लैंग्वेज एक चेंज होती है सर, साइकोलॉजी है शायद। नहीं ठीक है, लेकिन अब अभी से आप स्वीकार कीजिए, ये खुशी तो स्वाभाविक है, होनी चाहिए, आपको 6-7 सालों का इंतजार था। ए के मिश्रा जी, जो हम एजुकेशन की बात करें सर, क्योंकि दिल्ली में बार बार आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा जो एजुकेशन का ही जिक्र करती है, आपका एनालिसिस क्या कहता है? एनसीपीसीआर की रिपोर्ट कहती है कि 824 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। स्कूलों में ये दावा करते हैं कि भाई सरकारी स्कूलों में बच्चे बढ़े हैं, लेकिन कोविड एक बहुत बड़ा कारण रहा, विशेष तौर पर 2 सालों में लोगों की रोजी रोटी इतनी प्रभावित हुई कि कोई विकल्प नहीं था, ये भी एक बड़ा कारण रहा। आपको लगता है कि एक चुनावी मुद्दा ज्यादा हो गया है? मैम देखिए, मैं माननीय जो दिल्ली के मालिक हैं, जिन्होंने खुद ये मेज थपथपा के बोला था कि हम दिल्ली के मालिक हैं, और जो दिल्ली को लंदन बनाना चाहते थे, दिल्ली वाकई में देश की राजधानी है, यहाँ की हर चीज दूसरों से बेहतर और जुदा होनी चाहिए। ऐसे में अगर ऐसी कोई रिपोर्ट आ रही है तो वो सोचनी है और क्वेश्चन पूछना चाहिए। रही बात विजिट विजिट की, तो विजिट वगैरह तो सारे प्रोग्राम फिक्स रहते हैं। राष्ट्रपति वगैरह आ रहा है तो ये चीज होनी चाहिए, लेकिन मैं अभी भी मानने के लिए तैयार हूं कि अगर हर घर ये फ्री बिजली दे सकते हैं, हर घर अगर ये फ्री पानी देते हैं, तो क्या उस रेशियो में ये डिक्लेयर कर सकते हैं, इस चुनौती को स्वीकार कर सकते हैं कि हर घर के बच्चे को हम फ्री और क्वालिटी एजुकेशन देंगे? मुद्दा ये होना चाहिए, जो इनके चुनाव में मुद्दा ये होता है जिससे वोट मिल जाए, जो बहुत आसानी से हो सकता है, वो चीजें तो कर सकते हैं, लेकिन जहां कमर कस के युद्ध करने की जरूरत होती है, अगर दिल्ली के हर रिहायशी आदमी के बच्चों को फ्री एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, लंदन बनाने की बात की जाए, उसके लिए बहुत सारे स्कूल बनाने पड़ेंगे। आपने बताया अभी जो स्कूल है उसमें वैकेंसी खाली पड़ी है, अध्यापक नहीं है। अगर ये तो आपने अध्यापक और प्रिंसिपल की बात की, अगर आप तरीके से देखेंगे तो उसके नीचे जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ वगैरह होते हैं वो भी नहीं होंगे। आप लेकिन एजुकेशन वगैरह इन सब चीजों के मामले में आप मन लगा के काम करिए, जो कमी है उसको मानिए और उसको दूर करिए। आखिर विद्यालय शिक्षा का घर है, शिक्षक देश का भविष्य बनाते हैं, केवल एक बालक एक परिवार का ही भविष्य नहीं बनाते हैं, वो राष्ट्र का भविष्य बनाते हैं। तो इस पे कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, इस पे विनम्रता पूर्वक उस चीज को मान के पक्ष भी सहयोग करेगा, हम लोग भी करेंगे। मैं बोलता हूं और दूसरे जगह के छोड़ दीजिए, कम से कम दिल्ली में ही जो रेजिडेंस है, 2-4 नोबेल प्राइज विनर यहीं से निकले, क्या बुराई है? ठीक बात है, ये आपने अच्छी बात कही। ठीक है, एके मिश्रा जी, ठीक है सर, वक्त थोड़ा सा कम है। एके मिश्रा जी, जो एक बात बहुत महत्वपूर्ण रही आज, जो सबसे ज्यादा एग्रेसिव जिस पर डिप्टी सीएम रहे, वो ये था कि ट्रांसफर्स को लेकर, कि एक अधिकारियों के साथ वो मीटिंग करते हैं, अगले दिन खबर आती है अधिकारियों के ट्रांसफर हो गए। आपको लगता है कि ये जो विवाद है एलजी के साथ, एलजी चाहे जो रही हूं आम आदमी पार्टी का, कुछ ज्यादा ही है? अब ज्यादा है तो क्या वास्तव में इन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा, या इन्हें भी इनकी भी अब आदत हो गई है कि ठीक है एक विषय हो तो 4, मतलब उसे आप बड़ा बना दीजिए? आपका विश्लेषण इस पर क्या कहता है सर? नहीं देखिए मैम, मैं आपको बताऊं, माननीय अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे नेता है जो बिना किसी सुविधा के सड़क पे भी काम करके रिजल्ट डिलीवर कर देते हैं। मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी के लिए कोई बहुत सुविधा या कोई बहानेबाजी नहीं चाहिए, ये बहुत अच्छा डिलीवर करते हैं, और इसके एग्जांपल हैं 2-2 इलेक्शंस, तमाम बाधाओं तमाम चुनौतियों के बाद इन्होंने कर दिया। सवाल ये है कि जब आप हाउस पहुंचते हैं, फिर आपके पास कभी एलजीजी प्रॉब्लम बन जाते हैं, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट, कभी यूपी की गवर्नमेंट, कभी आंध्रा की गवर्नमेंट। मैं ये समझता हूँ कि देखिए रिसोर्सेस तो हमेशा सबके पास लिमिटेड रहते हैं, लेकिन इलेक्शंस के टाइम में या मीडिया में जो चीजें आप क्लेम करते हैं कि हम बहुत ही दक्ष हैं रिजल्ट्स को डिलीवर करने में, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दिल्ली को लंदन बनाने का जो आपका ध्येय है उस मिशन पे काम करिए और ठीक है। थोड़ी सी तकनीकी प्रॉब्लम, एक वादा जो है,
एक वादा जी न्यूज पे जरूर करके जाइए कि अब की बार जल भराव नहीं होगा और ट्रैफिक की गति कम नहीं हो। संजय जी जल्दी से वादा कीजिए, और क्योंकि आप बार बार ये तो नहीं कह सकते कि एमसीडी हमारे पास नहीं है, एमसीडी चुनाव भी जल्द होने उतने ही जरूरी है, और पीडब्ल्यूडी आपके पास है सर, 1200 किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें आपके पास है। आज आप हाउस में देखिएगा जल भराव के मुद्दों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई, और पूरी विस्तार से चर्चा हुई कि क्या कमी है, क्या किया जाए। मल्टीपल एजेंसियों के कारण परेशानियां आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद तमाम हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जो दिक्कतें लोगों को आ रही है वो ना आए। बिल्कुल ठीक है, पीडब्ल्यूडी के सारे नाले साफ कर दिए गए हैं, सारे नाले साफ कर दिए गए, लेकिन जब तक एमसीडी का सामना। ललिता जी भी हमारे साथ है, ललिता जी आपका फाइनल कमेंट भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यहाँ तो आश्वासन मिल रहा है, और हम तो अजय जी से भी उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी आप लोग बैठ के चर्चा कीजिए, एमसीडी चुनाव कराइए, 24,000 किलोमीटर सड़कें एमसीडी के पास हैं।